ये हमारा गुलाब का पौधा, यदि आप भी इस तरह से गुलाब का पौधा लगाना चाहते हो और उसको इस तरह से फूलों से हरा भरा करना चाहते हो तो एक बार मेरे बताए अनुसार आप उपाय करके देखें और फिर बताएं। आपके भी पौधे के इस तरह से इतने फूल आएंगे कि जितने पत्ते नहीं हैं, और आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतने फूल भी आ सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये पूरा फूलों से झींज हो रखा है, कितने प्यारे फूल हैं। पूरे के फूल आ रखे, तो इसके लिए मैंने है ना थोड़ा ये गली हुई खाद ली है जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ये या तो आप गांव से हैं तो जो उनके गाय भैंस हैं उनके तो ये गोबर आराम से मिल जाती है, गली सड़ी खाद होती है वो। और यदि जिनकी नहीं है तो ये मार्केट में वर्मी कंपोस्ट के नाम से मिलता है, लगभग 15-20 रुपए किलो के हिसाब से पैकिंग की 3 थैलियाँ मिल जाती हैं, वो ला के भी आप डाल सकते हो। मैंने थोड़ी लिए हल्दी और ये लिए थोड़ा सा सरसों का तेल, लगभग 2 चम्मच तेल की ले ली और 2 चम्मच हल्दी की ले ली हल्दी की, और थोड़ी ली है मैंने ये खाड़। ये भी जो गांव से हैं उनके तो गाय भैंस के लिए बांट के लिए लाई हुई होती है खाड़, और जिनके नहीं है वो मार्केट से ले सकते हैं, किराने की दुकान पे आराम से मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें लेके और अभी बताती हूँ आपको कैसे डालना है इसमें। इस तरह से मैंने पौधे की खूब अच्छे से निराई गुड़ाई कर दी है, पूरा घास खरपतवार जो भी था वो काट के अच्छे से, और इससे मिट्टी थोड़ी बाहर निकाल देती हूँ, और इसके अंदर चारों तरफ थोड़ी थोड़ी खाद, ये हलद और तेल, ये सब डालती हूँ मैं, जिससे इतने फ्लावर आएंगे, इतने फ्लावर आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना कि कितने फ्लावर आते हैं। ये मैंने इसमें चारों तरफ ये डाल दिए और ये खाद डाल दी मैंने इसमें। खाद डालने के बाद पानी का ज़रूर ध्यान रखें, पानी अच्छे से भरपूर मात्रा में डालें इसमें, नहीं तो पेट में गर्मी बढ़ जाती है इससे और प्यास ज़्यादा रहती है,